तो हेलो, तो कैसे हो सभी लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो फिर चलिए साबूदाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला हुआ है और फिर उसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला हुआ है। और फिर जब जीरा हमारा थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो फिर उसके बाद से हमने कटी हुई हरी मिर्च डाली हुई है। मैंने 4-5 लिया हुआ था हरी मिर्च, उसे डाल दिया। जब हरी मिर्च हमारा थोड़ा सा हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद से मैंने, देखिए आलू है, मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। और फिर इसे हम डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे और फिर ढककर इसे पकाएंगे। कम से कम मैंने 4 या 5 मिनट बाद हम इसे पकाएंगे, मतलब देखेंगे कि अभी हुआ है कि नहीं। तो देखिए, हमने इसे पकाने के बाद मैंने इसे हटाया है ढक्कन, और फिर देखें कि अब हो गया है। तो अभी पूरे तरीके से नहीं, मतलब हल्का हल्का जब थोड़ा सा हो जाए, तो फिर उसके बाद से हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। ये मैंने 2 पीस टमाटर लिया हुआ था, मैंने इसे भी बारीक कट कर लिया था। तो फिर हम इसे इसमें टमाटर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे तरीके से हो ना जाए। तो फिर देखिए, हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हैं, चला चला कर हम इसे पकाते हैं। तो देखिए, अब हमारा ये टमाटर है, अब ये हो चुका है। और फिर जब हमारा टमाटर अच्छे तरीके से हो जाए, तो फिर हम इसमें साबूदाना डालेंगे। तो देखिए, मैंने साबूदाना बनाने से 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। जितना साबूदाना हो उससे बस 1 या 2 इंच ही पानी डालें तो हमारा साबूदाना बिल्कुल खिला खिला सा रहता है। बस इतना ही डालना, ज़्यादा पानी डालने से ख़राब हो जाता है। तो मैंने बस 1 या 2 इंच मैंने पानी डाला था, जितना साबूदाना रहता है। तो फिर उसमें मैंने जीरा और काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है, यह मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। और फिर उसके बाद से सेंधा नमक डाला हुआ है, जो कि व्रत में इसे खाया जाता है, तो ये डाला हुआ है मैंने 1 चम्मच। और फिर उसके बाद से हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से चला लिया हुआ है और हम इसे अच्छे तरीके से पका भी लेंगे कम से कम 3-4 मिनट तक। तो देखिए, हम इसे अच्छे तरीके से पूरा पका लेते हैं। तो फिर देखिए, जब हमारा थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा कलर भी देखिए साबूदाना का चेंज हो गया है, तो फिर उसके बाद से हम पिसी हुई मूँगफली के दाने मैंने डाले हुए हैं। मैंने जो मूंगफली के दाने थे, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था, पीस लिया हुआ था, वो मैंने 3 चम्मच डाला हुआ है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा और आ जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। तो देखिए, ये हमारा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर पे एक बार। यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।